हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज हम फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैथ्स अलजेब्रा का, और फिफ्थ चैप्टर आपके पास है ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर ए फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, दैट मीन्स एलिमेंट जो होते हैं मैट्रिक्स के वो रियल होने चाहिए। ओके, इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने ए की मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई किए बाय द ए ट्रांसपोज, या फिर हम इसकी प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए के साथ, ए ट्रांसपोज इनटू ए। और आइडेंटिटी अगर आ जाता है देन मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप शो कर रहे हो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आइडेंटिटी आ जाता है देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं करती हूँ a इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाता है, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट b इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। पढ़ चुके हो आप ये इनवर्स मैट्रिक्स में, इनवर्स कैसे अप्लाई होता है, जब किसी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें और आइडेंटिटी आ जाता है, दैट मीन्स या तो आप इसको बोलो a इज अ इनवर्स ऑफ b, या आप इसको बोल सकते हो b इज अ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a। ओके, यही रिजल्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अभी हमने क्या कहा कि ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज और आंसर दे रहा है आइडेंटिटी, दैट मीन्स हम इस ये लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। समझ गए, तो यहाँ से इनवर्स की कंडीशन भी फुलफिल करता है यहाँ पे, क्योंकि ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई, इनवर्स की भी यही होती है, या तो आप प्री मल्टीप्लाई कीजिए या पोस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, आइडेंटिटी आ जाता है देन एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स की इनवर्स हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम कि ए ट्रांसपोज इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर मैट्रिक्स क्या होती है। प्रॉपर मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, ऑर्थोगोनल। इज प्रॉपर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 आ जाए। प्रॉपर मैट्रिक्स हम कहेंगे जब किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाले और उसकी वैल्यू 1 आ जाती है, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर मैट्रिक्स एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इम्प्रॉपर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1 आ जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, ना कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले अगर प्रॉपर मैट्रिक्स आपको शो करनी है तो सबसे पहले वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, देन हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे 1 आना चाहिए, और इम्प्रॉपर के लिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट -1 के इक्वल आना चाहिए। कुछ थ्योरम्स करते हैं हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पे। द डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज +-1, यानी आपको ये शो करना है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए अगर हम ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट +-1 होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। ओके, यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो, दूसरी डेफिनेशन आ सकती है यहाँ से कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए +-1 है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। और कब होता है ये, इफ ए इज नॉन सिंगुलर। तो यहाँ पे ऐसे भी स्टेटमेंट आ सकती है कि एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स
इज नॉन सिंगुलर, ये प्रूव कीजिए। तो प्रूफ देखिए कैसे करना है आपको, हमें बताना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट प्लस माइनस वन होगा। लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ए ऑर्थोगोनल है तो अपनी कंडीशन को डेफिनेशन को सेटिस्फाई करवाते हैं, ए इंटू ए डैश इक्वल टू ए डैश इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये डेफिनेशन किसकी होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी। टेकिंग डिटरमिनेंट अप्लाई कीजिए, डिटरमिनेंट ए ए डैश डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी। ए अलग अलग कर सकते हैं डिटरमिनेंट को, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए डैश, क्योंकि इक्वल है इसलिए हम एक स्टेप लेते हैं। और डिटरमिनेंट आई किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है, ठीक है, आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट वन होता है। नाउ जो ए मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलरेडी होती है, क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से पहले उसको स्क्वायर होना जरूरी है। तो ए इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, या तो आप ए का डिटरमिनेंट या ए ट्रांसपोज का निकालोगे तो सेम वैल्यू देगा। तो यहाँ से हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, हमने इसके प्लेस पे पुट कर दिया डिटरमिनेंट ऑफ ए, बिकॉज बोथ आर इक्वल, इम्प्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू वन, इम्प्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू प्लस माइनस वन, यही आपको प्रूव करना था। दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी कैन से दैट मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। और ए मैट्रिक्स हमने कैसे ली थी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, सेकंड थ्योरम देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्राइसिस ऑफ द सेम ऑर्डर इज ऑर्थोगोनल, यानी आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है, लेट ए एंड बी आर टू मैट्राइसिस ऑफ सेम ऑर्डर, और ये कैसी हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं। आर टू यहाँ पे लिख लीजिए, टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ऑर्थोगोनल, ए और बी दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमें गिवन है, कहता है कि इन दोनों के अगर मैं प्रोडक्ट कर देती हूँ तो वो भी ऑर्थोगोनल आनी चाहिए। ये चीज़ आपको गिवन होगी और प्रूव करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी ए इंटू बी दिस मैट्रिक्स, दिस वन मैट्रिक्स इज एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये आपको प्रूव करना है। ओके, चलिए जो गिवन है उसको यूज कर लेते हैं, एज ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देयरफॉर ए इंटू ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी एंड बी इंटू बी ट्रांसपोज, ये हमने डेफिनेशन अप्लाई कर दी ऑर्थोगोनल की, क्योंकि ए और बी सेपरेट हमें ऑर्थोगोनल गिवन है। अब जो प्रूव करना है वो देखिए, ए बी को आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रूव करना है, दैट मीन्स ए बी मल्टीप्लाई बाय इट्स ट्रांसपोज मीन्स ए बी डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए। अगर आप ए बी को ऑर्थोगोनल प्रूव करोगे तो आपको ये कंडीशन होल्ड करवानी पड़ेगी। तो हम यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, मीन्स ए बी, नाउ ए बी इंटू ए बी ट्रांसपोज, हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं और इसकी वैल्यू अगर आइडेंटिटी आ जाती है देन मैट्रिक्स ए बी इज ऑर्थोगोनल, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू ए बी, ट्रांसपोज ओपन करेंगे तो पहले बी का ट्रांसपोज होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए बी इंटू बी डैश, दोनों मैट्रिक्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ए डैश बी और बी डैश की मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के इक्वल है, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, इसको लिख लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन, देन ए इंटू आइडेंटिटी इंटू ए डैश,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. ओके, ए इंटू आइडेंटिटी इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स, ए ए डैश आ गया. यहाँ से फिर से हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे, ये भी फर्स्ट इक्वेशन में ले रहे हैं हम. दिस इज ऑल इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, ये भी आपके पास फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी. तो हमने क्या किया यहाँ से, ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी ट्रांसपोज, और हमारा आंसर आ गया आइडेंटिटी. यही हमारी ऑर्थोगोनल की डेफिनेशन होती है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हो और आइडेंटिटी आंसर आ जाता है, इम्प्लाइज दैट दैट मैट्रिक्स इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ए बी प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स हो गया इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. यही नेक्स्ट थ्योरम है, द इनवर्स एंड ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल. लेट ए बी एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट ए ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स बोथ आर ऑर्थोगोनल. ठीक है, अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, डेफिनेशन लगा दीजिए ए ए डैश इक्वल टू ए डैश ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी. ओके, नाउ हमें इनवर्स और ट्रांसपोज को शो करना है कि ये भी ऑर्थोगोनल होने चाहिए. देन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, ट्रांसपोज ले लीजिए यहाँ से, देन ए ए डैश ए डैश ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी ट्रांसपोज. ओके, ट्रांसपोज ओपन करते हैं, ए डैश डैश पहले हम पीछे वाली मैट्रिक्स लेते हैं इनटू ए डैश, फिर हम इसका मैट करते हैं ट्रांसपोज. यहाँ से आ जाएगा ए डैश इनटू ए डैश का डैश, ठीक है, इक्वल टू आइडेंटिटी का ट्रांसपोज, आइडेंटिटी ही होता है. अब यहाँ पे देखिए, हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे कि वापस ए बन जाता है. यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ए मैट्रिक्स, यहाँ से ए ट्रांसपोज और यहाँ पे ए डैश का डैश कर रहे हैं हम, यानी कि ए ट्रांसपोज दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय इट्स ट्रांसपोज आंसर दे रहा है आइडेंटिटी, इम्प्लाइज दैट ए डैश इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ओके, फिर हमें इनवर्स शो करना है, सेम टू सेम यहाँ पे देखिए, टेकिंग इनवर्स फर्स्ट इस पे इक्वेशन अप्लाई करेंगे हम, देन ए इंटू ए डैश इनवर्स ए डैश ए एंड आई इनवर्स. ओपन करिए ए इंटू ए डैश इनवर्स, पहले हम अप्लाई करेंगे ए डैश इनवर्स. इनवर्स भी ओपन करते हैं तो पहले पीछे वाले मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं ए इनवर्स, एंड यहाँ से आ जाएगा ए इनवर्स इंटू ए डैश इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी का इनवर्स, आइडेंटिटी इटसेल्फ होता है, इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको ए इनवर्स डैश. ये ट्रांसपोज की जो कंडीशंस थे फर्स्ट चैप्टर में वहाँ पे भी करवाया था, ए डैश इनवर्स को हम अप्लाई कर सकते हैं, ए इनवर्स डैश मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, यहाँ से आ जाएगा ए इनवर्स एंड ए इनवर्स ट्रांसपोज हम बाहर ले लेंगे इक्वल टू आइडेंटिटी, देन ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय इट्स ट्रांसपोज सेम टू सेम यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई और आइडेंटिटी आंसर आ रहा है, इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. दैट्स प्रूफ. नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स. नेक्स्ट डेफिनेशन इज यूनिटरी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स
is said to be unitary over the field of complex number ले लीजिए, a square matrix over the field of complex number, क्योंकि इसमें हम complex number यूज करते हैं, complex numbers is said to be unitary matrix if a into a theta या फिर a theta into a is equal to identity आ जाता है. a theta is a transpose conjugate. a theta क्या होता है? a transpose का conjugate या फिर a ट्रांसपोज और फिर कंजुगेट. ठीक है, या तो कंजुगेट का ट्रांसपोज कीजिए या ट्रांसपोज का कंजुगेट कीजिए, सेम चीज़ होती है. ए थीटा इंटू ए अगर आइडेंटिटी आ जाता है, दैट मीन्स मैट्रिक्स ए इज़ अ यूनिटरी मैट्रिक्स. यहाँ से फिर से इन्वर्स की कंडीशन लगा सकते हैं हम कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी आंसर आ रहा है, दैट मीन्स मैट्रिक्स ए इज़ इन्वर्टिबल. And we can say that A inverse is equal to A theta. यानी क्या A का इनवर्स A theta ले सकते हैं हम, बिकॉज दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर आइडेंटिटी आ रहा है. ओके, थ्योरम देखिए, इसकी फर्स्ट थ्योरम है, अ रियल मैट्रिक्स इज यूनिटरी इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑर्थोगोनल. क्या कंडीशन होनी चाहिए कि रियल मैट्रिक्स यूनिटरी कब बनेगी? जब वो ऑर्थोगोनल होगी. मीन्स आपको यूनिटरी दे रखा है तो ऑर्थोगोनल प्रूव करो, और ऑर्थोगोनल दे रखा है तो यूनिटरी मैट्रिक्स प्रूव करो. सबसे पहले तो ए आपके पास रियल मैट्रिक्स है, प्रूफ देखिए, ए लेट ए बी द रियल मैट्रिक्स. रियल मैट्रिक्स है तो इसका कंजुगेट मैट्रिक्स ए के ही इक्वल आएगा, बिकॉज रियल मैट्रिक्स में जो कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो उसका साइन चेंज नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट साइन चेंज होता है. ओके, अब आपको अगर यूनिटरी गिवन है तो ऑर्थोगोनल प्रूव करोगे. लेट ए बी यूनिटरी मैट्रिक्स, अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है डेफिनेशन लगाइए, ए ए थीटा इक्वल टू ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी. फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, हमें यहाँ से प्रूव करना है कि ए मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगी. ठीक है, ऑर्थोगोनल के लिए आपको क्या चाहिए? दैट इज आप यहाँ से प्रूव करोगे ए ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी. ये चीज़ आपको यहाँ से प्रूव करनी है. ओके, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन प्रूव कैसे करेंगे? देखिए, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी. ये हमें गिवन है. ए थीटा ओपन कर लीजिए, कैसे लिखते हैं? ट्रांसपोज का कंजुगेट. ओके, एंड यहाँ से भी इसको ओपन कर लेते हैं, ट्रांसपोज कंजुगेट ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी. हमने थीटा को कंजुगेट ट्रांसपोज और यहाँ पे भी कंजुगेट ट्रांसपोज में ओपन कर लिया. अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि रियल मैट्रिक्स है तो इसका कंजुगेट इसी के इक्वल आ रहा है, देन मैट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम कि ए कंजुगेट इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स, और बाहर चल रहा है ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ से भी ए कंजुगेट इक्वल टू ए मैट्रिक्स, और यहाँ पे इसका ट्रांसपोज बाहर अप्लाई हो रखा है, इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी. और ये किसकी कंडीशन होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की, इम्प्लाइज दैट ए इज ऑर्थोगोनल. ओके, यहाँ लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट से हमने ए कंजुगेट को ए में चेंज किया. ठीक है, अब इसका कन्वर्स पार्ट देखिए, मीन्स यहाँ से आपको ऑर्थोगोनल गिवन होगा. लेट ए बी ऑर्थोगोनल implies that a a dash
इज इक्वल टू ए डैश ए इक्वल टू आई, ये आपको गिवन है। और प्रूव क्या करोगे कि ए यूनिटरी मैट्रिक्स होने चाहिए, ठीक है। अब इसको आपको बनाना है यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी ए थीटा में लेके आना है। यूनिटरी कब होती है, ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए, मीन्स हमें ट्रांसपोज को जो हो थीटा में चेंज करना है। अप्लाई कंजुगेट ऑन बोथ साइड, या फिर यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो ए इंटू ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। अभी बताते हैं क्यों लिखा हमने ऐसा, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या कहा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ए कंजुगेट ए के ही इक्वल है, ओके। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोज है मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रखा है हमने, तो ए को मैंने रिप्लेस करती हूँ हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज है, तो ए इक्वल टू ए कंजुगेट मैंने इस मैट्रिक्स पे पुट कर दिया, ठीक है। तो ए के प्लेस को मैंने रिप्लेस, यानी इस मैट्रिक्स को मैंने रिप्लेस कर दिया ए कंजुगेट में, और ट्रांसपोज ऑलरेडी हमारे पास है। हम दूसरी मैट्रिक्स को नहीं यहाँ पे टच करेंगे, दूसरी जो इसके साथ जो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स है उसको हमें नहीं लेना है, ये एज इट इज़ रखनी है, बिकॉज हमें थीटा इसको बनाना है, तो ट्रांसपोज तो हमारे पास है, कंजुगेट हम यहाँ से ले लेंगे। तो ये बन जाएगा ए इंटू ए थीटा इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी, इम्प्लाइज दैट ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, ओके। देन आपको रिजल्ट यूज़ करना है यहाँ पे ए इक्वल टू ए कंजुगेट, और सिर्फ अप्लाई करना है ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स। द ट्रांसपोज ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, यूनिटरी मैट्रिक्स गिवन है, आपको शो करना है कि अगर मैं उसका ट्रांसपोज कर देती हूँ तो वो भी यूनिटरी आना चाहिए। प्रूफ देखिए इसका, लेट ए बी ए यूनिटरी मैट्रिक्स that is a into a theta equal to a theta into a is equal to identity होगा, ओके। हमें शो करना है कि अगर मैं a का ट्रांसपोज कर देती हूँ तो वो भी यूनिटरी आना चाहिए, मीन्स आप प्रूव करोगे यहाँ से a ट्रांसपोज theta into a ट्रांसपोज equal to a ट्रांसपोज into ट्रांसपोज का theta equal to identity, ये आपको प्रूव करना है, ये कंडीशन प्रूव करनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रांसपोज अप्लाई कर लेते हैं, अप्लाइंग ट्रांसपोज या टेकिंग ट्रांसपोज लिख लीजिए, टेकिंग ट्रांसपोज ए ए थीटा डैश ए थीटा ए डैश इज इक्वल टू आई डैश। ट्रांसपोज ओपन कीजिए, ए थीटा डैश इंटू ए डैश इक्वल टू यहाँ से ए ट्रांसपोज एंड ए थीटा ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी का ट्रांसपोज, आइडेंटिटी ही होता है, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू थीटा इंटू ए डैश एंड यहाँ से ए डैश एज इट इज और ए डैश इंटू ए थीटा, थीटा को भी मैंने बाहर ले लिया। बस ये हमने इंटरचेंज क्यों किया, क्योंकि ए डैश थीटा इक्वल होता है ए थीटा डैश के, दोनों इक्वल होते हैं। नाउ ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स एंड इसी मैट्रिक्स का यानी ए ट्रांसपोज का थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आइडेंटिटी आंसर दे रहा है, इट इज इट सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, इम्प्लाइज दैट ए ट्रांसपोज इज यूनिटरी, ठीक है। क्योंकि हमने ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय इट्स थीटा आंसर आइडेंटिटी ला दिया है, इसका मतलब ए ट्रांसपोज यूनिटरी हो जाएगा। थ्योरम थर्ड, द कंजुगेट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी, ये भी सेम टू सेम ही है, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ए हमने कोई यूनिटरी मैट्रिक्स ली है, देन ए थीटा इक्वल टू ए थीटा इंटू इक्वल टू आइडेंटिटी, क्योंकि यहाँ पे कंजुगेट को प्रूव करना है तो हम कंजुगेट अप्लाई कर लेते हैं, कंजुगेट अप्लाई करेंगे और इसको ओपन करते हैं, देन ए कंजुगेट ए थीटा कंजुगेट, यहाँ से ए थीटा कंजुगेट इंटू ए कंजुगेट इक्वल टू आइडेंटिटी कंजुगेट, क्योंकि रियल मैट्रिक्स है वही आ जाएगा, ए कंजुगेट ए, यहाँ से थीटा और कंजुगेट को इंटरचेंज कर लीजिए, दिस कंजुगेट मैंने पहले लिख दिया, थीटा को बाद में ऑपरेट कर दिया,
सेम टू सेम यहाँ पे करेंगे, थीटा ए कंजुगेट इक्वल टू आइडेंटिटी, हेयर ए ट्रांसपोज सॉरी कंजुगेट, और इसी मैट्रिक्स का थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आइडेंटिटी आंसर आ रहा है, इम्प्लाइज दैट ए कंजुगेट इज यूनिटरी, दैट्स प्रूफ। थ्योरम फोर्थ, द ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। ट्रांसपोज कंजुगेट क्या होता है? ए थीटा, इसी को थीटा को कहते हैं हम ट्रांसपोज कंजुगेट, इसका मीनिंग यही होता है थीटा का ट्रांसपोज कंजुगेट, ठीक है। तो आपको यूनिटरी मैट्रिक्स गिवन है और उसका ट्रांसपोज कंजुगेट आपको प्रूव करना है कि वो यूनिटरी होना चाहिए। लेट ए बी यूनिटरी मैट्रिक्स, देन ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, और आपको प्रूव करना है, प्रूव द ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए का यहाँ से ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो आपको ये शो करना है कि इसका ट्रांसपोज कंजुगेट मीन्स ए थीटा इज ऑल्सो यूनिटरी, दैट इज क्या कंडीशन होनी चाहिए इसको यूनिटरी बनने के लिए, ए थीटा मल्टीप्लाई इट्स थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी आना चाहिए, समझ गए। देन यहाँ से देखिए, ए हमें यूनिटरी मैट्रिक्स गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, बोथ साइड हम थीटा अप्लाई कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बोथ साइड थीटा अप्लाई करेंगे यानी ट्रांसपोज कंजुगेट अप्लाई करेंगे, ओके ओपन करते हैं। तो थीटा में कैसे ओपन करते हो, पहले हम ए थीटा थीटा इंटू ए थीटा, और आइडेंटिटी का ट्रांसपोज कंजुगेट आइडेंटिटी ही होता है ना। अब देखिए यहाँ से, या तो इसको प्री मल्टीप्लाई कीजिए या पोस्ट मल्टीप्लाई कीजिए, सेम होता है, यानी आप इसको ये भी प्रूव कर सकते हो ए थीटा थीटा इंटू ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी, तो दोनों में से कोई कंडीशन प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ से देखें तो ए थीटा और इसी का थीटा आइडेंटिटी आ रहा है, इम्प्लाइज दैट ए थीटा इज यूनिटरी, मीन्स ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए इज यूनिटरी, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनवर्स ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज यूनिटरी। ए हम यूनिटरी मैट्रिक्स ले रहे हैं, देन ए इंटू ए थीटा इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। ए हमें यूनिटरी मैट्रिक्स लिए क्योंकि हमें इनवर्स को यूनिटरी प्रूव करना है, तो हम इनवर्स अप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड, थ्रू आउट इनवर्स अप्लाई करेंगे, देन इसका इनवर्स ओपन करो, ए थीटा इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यहाँ से ए इनवर्स इंटू ए थीटा इनवर्स इक्वल टू आई का इनवर्स आइडेंटिटी ही आ जाएगा, देन ऑपरेशन इंटरचेंज कर लीजिए, ए इनवर्स ए थीटा इनवर्स इंटू ए इनवर्स थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी, इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज यूनिटरी। थ्योरम सिक्स्थ इज, प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेस इज यूनिटरी। दो मैट्रिक्स यूनिटरी दे रखी है और उनकी मल्टीप्लाई करोगे यूनिटरी प्रूव करना है। लेट ए एंड बी आर टू यूनिटरी मैट्रिसेस, क्योंकि यूनिटरी मैट्रिसेस है, देयरफॉर ए इंटू ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी फर्स्ट इक्वेशन, एंड बी थीटा इंटू बी इज ऑल्सो आइडेंटिटी सेकेंड इक्वेशन। हमें प्रूव करना है यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस यानी ए बी की मल्टीप्लाई, ए बी इज यूनिटरी, मल्टीप्लाई इनकी यूनिटरी आनी चाहिए, दैट मीन्स आप यहाँ से प्रूव करोगे ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी थीटा या फिर ए बी थीटा इंटू ए बी और आइडेंटिटी आ जाए, ओके। पहले हम ये वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, ए बी इंटू ए बी थीटा लेके चलते हैं, ओपन करिए इसको, ये हम पीछे कर भी चुके हैं, जैसे हमने ऑर्थोगोनल प्रूव किया था सेम टू सेम इसको भी ऐसे ही करना है, थीटा ओपन करेंगे बी थीटा ए थीटा आ जाएगा, बी और बी थीटा को इकट्ठा ले लीजिए
ए बी बी थीटा इंटू ए थीटा, इसकी वैल्यू फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से ए इंटू आइडेंटिटी इंटू ए थीटा, यहाँ लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यहाँ से रिमेनिंग फैक्टर इज ए इंटू ए थीटा विच इज ऑल्सो आइडेंटिटी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन लेफ्ट हैंड साइड पे फैक्टर था इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, ये हो गया हमारा प्रूफ। सेम टू सेम आप प्रूव करोगे यहाँ से ए बी थीटा इंटू ए बी, सेम टू सेम फैक्टर यहाँ से थीटा ओपन करेंगे, फिर वही यहाँ पे ए थीटा और ए को इक्वल लेके चलेंगे, सेम टू सेम ये आपको प्रूव करना है, देन ए बी इज यूनिट्री। थ्योरम 7 देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूनिट्री मैट्रिक्स हैज़ एब्सोल्यूट वैल्यू 1, अगर डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम यूनिट्री मैट्रिक्स का तो उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट 1 आनी चाहिए। ए बी एन यूनिट्री मैट्रिक्स देन ए इंटू ए थीटा इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, हमें डिटर्मिनेंट इसको शो करना है तो हम डिटर्मिनेंट बोथ साइड अप्लाई कर लेते हैं, थ्रू आउट डिटर्मिनेंट ले लिया हमने, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए थीटा, एक फैक्टर को ही ले लीजिए इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट, ठीक है हमने एक फैक्टर उठा लिया यहाँ से। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ थीटा को ओपन कर लेते हैं, ट्रांसपोज कंजुगेट, ठीक है, या इसको पहले ट्रांसपोज ले लीजिए बाद में कंजुगेट ले लीजिए, यहाँ पे ट्रांसपोज फिर कंजुगेट ले लीजिए, कोई चेंज नहीं होता, किसी भी तरह से कर सकते हो। आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1 होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए का या फिर ए ट्रांसपोज का फाइंड आउट करते हो तो ए मैट्रिक्स ही आती है, इसलिए आप इसको लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मीन्स यहाँ ऑपरेशन या फॉर्मूला अप्लाई करोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ऑफ ए ट्रांसपोज, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्रांसपोज वापस ए में कन्वर्ट हो जाएगा इक्वल टू 1, यानी हमने ए को और इसके ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया ए वैल्यू आ रही है, इम्प्लाइज दैट ए हैज एब्सोल्यूट 1 वैल्यू 1। थ्योरम 8 प्रूव दैट कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए यूनिट्री मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। देखिए यूनिट्री मैट्रिक्स गिवन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स जो होंगे उसका मॉडुलस यूनिट प्रूव करना है, दैट मीन्स मॉडुलस 1 प्रूव करना है। जैसे हम लैम्डा लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक रूट, तो आपको प्रूव करना है कि इसका मॉडुलस 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो यूनिट्री मैट्रिक्स गिवन है, लेट ए बी यूनिट्री मैट्रिक्स, देन ए थीटा इंटू ए या फिर ए इंटू ए थीटा इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक रूट की बात हो रही है तो यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा लेट लैम्डा बी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड एक्स बी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा, कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा, ठीक है, इम्प्लाइज दैट अगर लैम्डा कैरेक्टरिस्टिक रूट है और एक्स इसका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है देन किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ओके, देन यहाँ पे हम इसको आपको यूनिट्री प्रूव करना है ना, तो यहाँ पे हम थीटा अप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड, अप्लाइंग डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, यहाँ पे आप लिख लेना अप्लाइंग थीटा बोथ साइड लैम्डा एक्स थीटा, बोथ साइड थीटा अप्लाई किया हमने, ओपन कीजिए एक्स थीटा इंटू ए थीटा इक्वल टू लैम्डा इज ए कॉन्स्टेंट, और थीटा की प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था कॉन्स्टेंट का कंजुगेट हो जाता है और मैट्रिक्स का थीटा ही रहता, ओके, और एक्स थीटा इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, इक्वेशन सेकंड, और दिस इज इक्वेशन स्टार ले लेते हैं। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस एंड दिस मल्टी मैट्रिक्स ए एक्स लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी, आप इसको लिखोगे यहाँ पे एक्स थीटा, इसको आप पहले लिखोगे मल्टीप्लाई बाय ए एक्स इक्वल टू इधर से लैम्डा एक्स थीटा मल्टीप्लाई बाय लैम्डा
एक्स, ओके. नाउ एक्स थीटा ए थीटा इंटू ए इंटू एक्स, यानी एक और ए थीटा को हमने इकट्ठा ले लिया यहाँ पे, इक्वल टू लैम्डा कंजुगेट इंटू लैम्डा एंड एक्स थीटा इंटू एक्स वन. ठीक है, यहाँ से ए थीटा इंटू ए इज आइडेंटिटी, स्टार इक्वेशन का यूज़ करेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा एक्स थीटा इंटू आइडेंटिटी इंटू एक्स. इसके प्लेस पे हमने फ्रॉम स्टार इक्वेशन से आइडेंटिटी पुट कर दिया और ये आ जाएगा आपके पास लैम्डा कॉन्जुगेट, ए कॉन्जुगेट इंटू ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर. तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा मॉड ऑफ ए एंड एक्स थीटा इंटू एक्स, चल ही रहा है. आई इंटू एक्स इज अ कंप्लीट एक्स मैट्रिक्स ही हो जाएगी और इसको हम एक्स थीटा इंटू एक्स माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स थीटा इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो. थीटा इंटू एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, मोड ऑफ लैम्डा स्क्वायर ये वन है, यहाँ से वन रह जाएगा, यहाँ से माइनस लैम्डा स्क्वायर और एक्स थीटा इंटू एक्स हमने ले लिया कॉमन. आइदर दिस इक्वल टू जीरो, आइदर वन माइनस मोड ऑफ लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू जीरो और एक्स थीटा इंटू एक्स इक्वल टू जीरो. ये तो जीरो हो नहीं सकता बिकॉज एक्स इज अ नॉन जीरो वैक्टर. एक्स थीटा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एज एक्स इज नॉन जीरो वैक्टर लेके चलते हैं. ओके, देन इसको सॉल्व करते हैं, वन इक्वल टू मोड ऑफ लैम्डा स्क्वायर एंड मोड ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू वन आ जाएगा यहाँ से. तो लैम्डा की मोड ऑफ लैम्डा इक्वल टू वन प्रूव करना था, विच इज़ प्रूव्ड. अगर आपके पास यहाँ से आ जाता है प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ यूनिट्री मैट्रिक्स के प्लेस पे आ जाता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, अगर यहाँ पे आ जाएगा ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस, बाकी सारी चीज़ सेम रहेंगी, सिर्फ यहाँ पे ऑर्थोगोनल आ जाएगा. तो आपको चेंज कहाँ करना है, यहाँ पे हमने ऑर्थो किसकी यूनिट्री की डेफिनेशन लगा रखी है, यहाँ पे हम ऑर्थोगोनल के लगाएंगे. मीन्स इसके पैरेलल ही बता रही हूँ मैं आपको स्टेप्स, ए डैश ए इक्वल टू ए इंटू ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा जब हमें ऑर्थोगोनल गिवन होगी. बाकी सारी चीज़ सेम टू सेम चलेंगी. कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के यूनिट मॉडुलस शो करना है, मीन्स लैम्डा वही लेके चलोगे, लैम्डा इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट लोगे. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर एक्स एंड सेम टू सेम चलेगा. जहाँ पे हमने थीटा अप्लाई किया है यहाँ पे आप ट्रांसपोज अप्लाई कर दोगे. ठीक है, जब यहाँ पे ऑर्थोगोनल होगा इसके प्लेस पे ऑर्थोगोनल, बाकी सारा सेम चलेगा. यहाँ पे आप ट्रांसपोज ओपन करोगे तो ये आ जाएगा एक्स ए डैश, दिस इज लैम्डा, क्योंकि ट्रांसपोज में कॉन्स्टेंट एज इट इज रहता है एंड यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा, ये ट्रांसपोज हो जाएगा. ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों को फिर से वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज ट्रांसपोज, ये भी ट्रांसपोज एंड यहाँ पे ट्रांसपोज रहेगा, यहाँ पे ट्रांसपोज दिस ए डैश इंटू ए, ये वाले डेफिनेशन यूज़ करोगे आइडेंटिटी बन जाएगा. यहाँ पे लैम्डा डैश नहीं रहेगा, लैम्डा ही चल रहा है, लैम्डा इंटू लैम्डा इज अ लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, सेम टू सेम चलना है, यहाँ से डैश में कन्वर्ट कर दो, बाकी सारी थ्योरम सेम है एज इट इज. ठीक है, वन माइनस लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे देखोगे तो लैम्डा इंटू लैम्डा इज अ लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, दिस इज, बाकी सारा सेम चल रहा है, यहाँ पे डैश कर दो. आइदर दिस इक्वल टू जीरो, ये आपके पास जीरो हो नहीं सकता बिकॉज दिस इज नॉन जीरो वेक्टर, देन लैम्डा इज इक्वल, यहाँ से आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू वन. मॉडुलस करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे मॉडुलस होगा नहीं हमारे पास, लैम्डा स्क्वायर होगा. ठीक है, देन लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से प्लस माइनस वन, तो मोड ऑफ लैम्डा लेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू में, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव ही आ जाएगी, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज वन. तो ऑर्थोगोनल दे रखी हो चाहे यूनिट्री मैट्रिक्स दे रखी हो, सेम टू सेम चलना है, बस ये रिजल्ट आपको चेंज करना है. ठीक है, तो ये थे आपके पास थ्योरम्स ऑफ ऑर्थोगोनल एंड यूनिट्री मैट्रिक्स. कल हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.